नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 9 अगस्त की ताजा खबर। 2 लाख रुपए देखकर भी नहीं डगमगाया ईमान। विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली रैली, आम से खास हुआ टमाटर, आवक बढ़ने पर कीमत कम होने की संभावना। पीएचई कार्यालय में ठेकेदार ने किया हंगामा। सिटी ट्रेड यूनियन ने किया केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध। 14 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा। वरिष्ठ कर्मचारी नेता जेपी हरदेनिया का निधन। ऑटो चालक ने ई रिक्शा चालक से मारपीट की। मंदिर परिसर में मोबाइल प्रतिबंधित, फिर भी ले जा रहे श्रद्धालु। खबरों में विस्तार, अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। जैसे हर गरीब लालची नहीं होता, वैसे ही ईमानदार होने के लिए अमीर होना भी जरूरी नहीं है। आए दिन जातियों में बटे लोगों की खबरें हम देखते और सुनते रहते हैं। इन्हीं सब के बीच एक मुस्लिम ऑटो चालक ने लोभ और लालच से परे ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसने भी सुना तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अपनी ईमानदारी से इस ऑटो चालक ने पैसों के पीछे भागती दुनिया को यह संदेश भी दिया कि इंसानियत ही उसका पहला धर्म होता है। दरअसल भगवान महाकाल की नगरी में इन दिनों श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। दूर दराज से भक्त यहाँ प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। ऐसे में ही राजस्थान से आए 2 श्रद्धालु बुधवार सुबह 11 बजे मुरलीपुरा से भैरवगढ़ क्षेत्र के कंजरवाड़ी में रहने वाले 60 वर्षीय मोहम्मद अफजल पिता मोहम्मद हुसैन गुट्टी की ऑटो क्रमांक MP13R3213 में गोपाल मंदिर जाने के लिए बैठे थे। अपने गंतव्य पर उतरने के बाद जल्दबाजी में श्रद्धालु अपना बैग ऑटो में ही भूल गए। कुछ समय बाद जब मोहम्मद अफजल ने ऑटो में पर्स देखकर उसे खोला तो चौंक गए। उसमें 2 लाख रुपए रखे हुए थे। बावजूद इससे उनका ईमान नहीं डगमगाया। बैग में एक रसीद थी जिस पर श्रद्धालु का नंबर था। इस पर संपर्क कर अफजल ने श्रद्धालु को भैरवगढ़ बुलाया और दोपहर करीब 1:30 बजे वो बैग उन्हें लौटा दिया। आज जहां 10 रुपए भी लोग नहीं लौटाते, वहां 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग पाकर श्रद्धालु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील के ग्राम रिंची निवासी धन्नालाल पिता रामचंद्र अहिर द्वारका यात्रा कंपनी चलाते हैं। वह करीब 60 लोगों का दल लेकर उज्जैन दर्शन करने आए थे और मंगलवार रात मुरलीपुरा स्थित निर्मल अखाड़ा में ठहरे थे। धन्नालाल ने बताया कि वह सारा पैसा यात्रियों का था, जिसे ऑटो चालक मोहम्मद अफजल ने सही सलामत उन्हें लौटा दिया। धन्नालाल ने खुश होकर अफजल को 2,000 रुपए भी देना चाहे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद धन्यवाद देते हुए धन्नालाल यात्रियों को लेकर ओंकारेश्वर के लिए रवाना हो गए। अभय न्यूज ने जब ऑटो चालक अफजल से पूछा कि इतना पैसा देखकर भी उनके मन में लालच क्यों नहीं आया, तो जवाब देते समय उनका गला रुंध गया। ये हुआ था कि वो निर्मल अखाड़े से बैठे थे मुल्लापुरा के इधर से गोपाल मंदिर के लिए, और गोपाल मंदिर में उतारा, उन्हें पैसा ले लिया और जो है जाने के बाद में उस बैग को मैंने हल्का सा खोला तो उसमें रुपए भरे हुए थे। फिर मुझे अपने जो काम थे वो स्कूल वगैरह जाना था, वो लेके बच्चों को फिर भैरवगढ़ गया। हमारे साले साहब है मोहिद्दीन भाई, उनसे हमने चर्चा करी कि यार ये बैग भरा हुआ क्या करना है, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं यार ये बैग तो अपने को वापस करना है, अब इसके अंदर क्या क्या कागज है वो बताइएगा। तो उन्होंने कोई पासबुक या कुछ ऐसा रखा था रसीद कट्टा, उसके अंदर उनके नंबर थे। फिर हम उन लोगों को नंबर लगाया और नंबर लगाने के बाद उन्हें कहा कि आप भैरवगढ़ आइएगा। वो फिर आए घंटे भर बाद और बैग हमने उनके हवाले कर। कितने रुपए उसमें थे लगभग, क्या? मैंने गिने नहीं थे, वो लोग बता रहा था कि 2 लाख रुपए के करीब है। 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, कोई देखकर आपके दिल में कुछ ऐसा नहीं आया? अभी मैंने अल्लाह जानता है कि उसमें से नहीं लिया। मानवता की मिसाल पेश की आपने, और भी ऑटो चालक हैं शहर में, क्या संदेश आप देंगे? बस यही कि जो सब लोग आते हैं बाहर से, अपने टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं, उनका अच्छी तरह से वो करें, उन्हें कोई तकलीफ ना होए, किराया मनमाना ना लेवे, जो लगता है बनता है वो ले लेवे, बस यही कहना मुझे। उज्जैन की बड़नगर तहसील के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय में एक ठेकेदार द्वारा हंगामा करते हुए गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। चयन करने की भी एक सीमा होती है, हमें सज्जनता का उपयोग कर रहे हैं। उज्जैन में पड़वा रहा हूँ, एक जाति धर्म का परेशान कर रहा है, उनका तिलकर को लगा रहे हैं, परेशान कर रही है, लोग कुछ नहीं कर रहे, क्या हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं है। दरअसल हंगामा करने वाले ठेकेदार का नाम अशोक नगर निवासी बांके बिहारी बताया जा रहा है। वीडियो में ठेकेदार कर्मचारियों को धमकाता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये घटना 7 अगस्त की होना सामने आई है।
आक्रोशित कर्मचारियों ने कार्यपालन यंत्री को लिखित में शिकायत कर उचित कार्यवाही की मांग भी की है। कर्मचारियों ने शिकायत में ये लिखा है कि ठेकेदार को जाफला, झलारिया, उटवास, लखेसरा और रणवा में काम का ठेका 2022 में दिया गया था, जिसमें सुधार कार्य को लेकर कार्यालय से एक पत्र लिखा गया था, इसी को लेकर यह हंगामा किया गया। खास बात यह है कि विभाग के अफसर इस मामले में दो दिन के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले सके हैं। इस घटना का वीडियो अफसरों से लेकर कर्मचारियों के बीच में वायरल हो रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमतों ने उन्हें अचानक आम से खास बना दिया है और यही वजह है कि इन दिनों टमाटर शहर में ही नहीं पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। टमाटर ने लोगों के घर का स्वाद और बजट दोनों बिगाड़ दिया है। वहीं सलाद से भी धीरे धीरे अब यह गायब होता दिखाई दे रहा है। दरअसल इन दिनों टमाटर के भाव 160 से 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। महंगे होने की वजह से सीमित संख्या में ही लोग टमाटर इन दिनों खरीद रहे हैं। सब्जी विक्रेता जहूर ने बताया कि मंडियों में टमाटर की आवक नहीं होने से इनकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। सप्ताह भर पहले 150 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 160 से 180 रुपए तक पहुंच चुका है। फिलहाल ग्राहकों को इंतजार करना ही होगा। जैसे ही सब्जियों की आवक बढ़ेगी वैसे ही टमाटर की कीमतों में भी कमी आएगी। भाई अभी क्या है, टमाटर की आवक जरा कम है, इसकी वजह से बाजार के अंदर भाव चढ़े हुए हैं। 160 180 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर की आवक बढ़ने के बाद फिर जो भाव अपने आप ही गिरेंगे, और हमें तो उम्मीद ही है कि दो चार दिन के अंदर भाव 120 और 100 तक के हो सकते हैं। और ये बारिश की वजह से अभी क्या है कि आसपास के इलाकों का माल खराब हो चुका है, इसलिए थोड़ी भाव बढ़े हुए, वरना अभी तो इस वक्त में बाजार का भाव जो है 40-50 रुपए किलो हो जाता। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पिछले दिनों प्रदेश भर के थाना प्रभारियों और कार्यवाहक निरीक्षकों के थोक बंद तबादले किए गए थे। इसमें उज्जैन जिले के 25 थाना प्रभारी एवं कार्यवाहक निरीक्षक भी शामिल थे, जिन्हें पिछले दिनों एसपी सचिन शर्मा ने रिलीव कर दिया था, जिसके बाद रिक्त पदों पर नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति अब कर दी गई है। इसके तहत नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोड़िया को बनाया गया है। वहीं खारा कुआ टीआई अविनाश सेंगर, मोहन जाट देवासगेट टीआई एवं अजय वर्मा को महाकाल थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह दीनबंधु सिंह तोमर को बड़नगर और मुकेश इजारदार को नरवर का टीआई बनाया गया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। विश्व आदिवासी दिवस पर बुधवार को आदिवासी समाज जनों ने टावर से रैली निकाली। सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद रैली विभिन्न मार्गों से होकर विक्रम विश्वविद्यालय पहुंची, जहां यूनिवर्सिटी के तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ ने रैली का स्वागत किया। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर के बाहर ही कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे और कुल सचिव प्रज्वल खरे का तीर कमान भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान तख्तिया थामे समाजजनों एवं युवाओं ने आदिवासी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आदिवासी भाइयों की आज रैली थी जो घंटागढ़ से निकली और हमारे विद्यालय के द्वार से निकल रही थी। उसमें हम सभी विद्यालय के परिवार ने माननीय कुलपति, माननीय रजिस्ट्रार साहब, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। एक भाईचारा का संदेश दिया कि हमारे देश के अंदर एक भाईचारा बना रहे और ऐसी एकता सब परिवार में बनी रहे, और जो भी कभी भी कोई भी रैली निकलेगी विद्यालय परिवार उनका स्वागत करेगा, धन्यवाद। इसके बाद रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां पर राष्ट्रपति एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार शिफाली जैन को आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर 37 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन डॉक्टर कन्हैया मेड़ा ने किया। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष एवं विश्व भर में मनाया जाता है। हम लोग प्रतिवर्ष इस दिवस को हमारी संस्कृति, हमारे अधिकार के संरक्षण हेतु इसको बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इस वर्ष पूरे भारतवर्ष और विश्व भर में ये संकल्प लिया गया है कि इस आंदोलन को एक रैली के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम जो आदिवासियों के साथ जो अत्याचार, शोषण और जल जंगल जमीन का जो अत्याचार हो रहा है, और कई ऐसे बिंदु है जिनको लेके हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी समाज ने आज
मोहन जुलूस रख एक राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई है। विश्व में देखा जाए तो आदिवासी हजारों साल से आदिवासी ही मूल निवासी है, लेकिन विगत सरकार द्वारा आदिवासियों को परिभाषित अलग रूप से कर उसको वनवासी का रूप दे दिया गया जो बहुत अत्यंत अशोभनीय है। हम मूल आदिवासी है और हमारी जो आज परिचय है मूल आदिवासी का ही होना चाहिए। जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमने एक मूल भूमि निकाल कर ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उज्जैन उत्तर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार शाम को हीरा मिल रोड स्थित मनोरमा गार्डन में आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे और इस बार पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। इस अवसर पर उज्जैन संभाग प्रभारी आलोक शर्मा, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, यूडीए के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 14 अगस्त को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जो 8 बजे टावर से निकलेगी। यात्रा का समापन यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर होगा। तैयारियों को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं अधिकारियों की बैठक ली तथा यात्रा को भव्य स्वरूप देने के निर्देश भी दिए। इस तिरंगा यात्रा में आजादी में बलिदान देने वाले अमर शहीदों पर रंगोली चित्रकला स्पर्धा भी आयोजित की जाएगी। इसी तरह अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक ध्वज की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने बताया कि जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से शुरू होगा और 30 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत माटी को नमन, वीरों का वंदन और अमृत वाटिका का निर्माण कर स्वदेशी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। बैठक में महापौर मुकेश टटवाल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, जिला पंचायत सीईओ अजय देव शर्मा एवं अधिकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के समस्त पदाधिकारी भी मौजूद थे। देश के 10 ट्रेड किसान एवं कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर शहर की सिटी ट्रेड यूनियन ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। क्षीरसागर कॉलोनी स्थित मजदूर सभा कार्यालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शन का संचालन करते हुए बैंक कर्मचारियों के नेता कॉमरेड यूएस छाबड़ा ने सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए कड़ा विरोध व्यक्त किया। अन्य वक्ताओं में कॉमरेड राम त्यागी, बीएसएनएल यूनियन के कॉमरेड मनोज शर्मा, कुलदीप सिंह सेंगर, रमेश शर्मा, रविंद्र जेठवा, संतोष राव एवं केशव पंड्या आदि शामिल थे। प्रदर्शन के अंत में आभार कॉमरेड शेर खान मेव ने माना। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।